ये एक साइलेंट स्नाइपर राइफल है जो कि मेट्रो एक्सोडस गेम से अब एक्चुअली पबजी मोबाइल के इस मेट्रो रॉयल मोड के अंदर भी आ चुकी है। और मेरे भाई हमें ध्यान ये रखना है कि ये बॉट्स नॉर्मल क्लासिक मोड वाले बॉट्स नहीं है, ये बॉट्स स्मोक भी फेंक सकते हैं, हमारे ऊपर ग्रेनेड भी डाल सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो ये वाला मॉन्स्टर बैट्स या फिर वैम्पायर्स से इंस्पायर्ड लग रहा है। सो पानी के अंदर आने के बाद मैंने जब इस सी मॉन्स्टर को बहुत पास से देखा तो मुझे तो ऐसा फील हुआ कि ये मॉन्स्टर ब्लू व्हेल या फिर एक क्रोकोडाइल से इंस्पायर्ड है। वेपन्स तो वेपन्स, हमें तो उसकी सारी एक्सटेंशंस भी परचेज करके इक्विप करके मैच के अंदर ले जानी पड़ेंगी, अंदर हमें नहीं मिलेंगी वो इतनी आसानी से। हेलो गेमर्स, क्या हाल है, कैसे हो? पबजी मोबाइल न्यू अपडेट 1.1 में जो एक ब्रांड न्यू मेट्रो रॉयल मोड हमें खेलने के लिए मिलने वाला है वो मेट्रो एक्सोडस और पबजी मोबाइल के कोलैबोरेशन के बाद ऐड हो गया है। लेकिन ये तो आप पहले से ही जानते हो क्योंकि बेटा वर्जन 1.1 के पैच नोट्स पहले ही लीक हो गए थे और मैं आपको वो पैच नोट्स वाले वीडियो में दिखा चुका हूं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इस न्यू मेट्रो रॉयल मोड के लगभग सारे न्यू फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो मेट्रो रॉयल के बारे में सबसे बेसिक और सबसे पहली चीज है इसके मैप्स। यहां इस मोड में हमें दो मैप्स खेलने के लिए मिलने वाले हैं जो कि बाहर से दिखने में लगभग रैंगल मैप जैसे लग रहे हैं, लेकिन हम जब अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअली कुछ और ही है। तो सबसे पहला मैप जहां पर हम ये मेट्रो रॉयल मोड खेलना सीखते हैं उसका नाम है फ्रंट लाइन कन्फ्रंटेशन। एंड जैसे ही हम इस पहले मैप को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें इसके अंदर दो मोड्स खेलने के लिए मिलते हैं। पहला मोड है बेसिक मोड और दूसरा मोड है अंडर कवर मोड। सो इस बेसिक मोड का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन तो ये है कि हमें सबसे पहले तो इसमें अपने कैरेक्टर को वेपन से इक्विप कर लेना है, उसके बाद हमें मैच में एंटर हो जाना है। एंड फिर मैच के कंप्लीट होने तक हमें जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा लूट को कलेक्ट करते रहना है। एंड लूट को कलेक्ट करने की प्रोसेस में हमें वहां पर बहुत सारे एनिमीज भी मिल सकते हैं जिनको हमें खुद जिंदा रहने के लिए, खुद सर्वाइव कर पाने के लिए फिनिश करते रहना है। हर मैच में हमारा बेसिकली चार तरह के एनिमीज से आमना सामना हो सकता है, जिन एनिमीज में नंबर 1 होंगे कंप्यूटराइज्ड बॉट्स। और मेरे भाई हमें ध्यान ये रखना है कि ये बॉट्स नॉर्मल क्लासिक मोड वाले बॉट्स नहीं है, ये बॉट्स स्मोक भी फेंक सकते हैं, हमारे ऊपर ग्रेनेड भी डाल सकते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ही सुपीरियर कंप्यूटराइज्ड बॉट्स हैं जिनसे हमारा आमना सामना होने वाला है। हमारे एनिमीज में नंबर 2 होंगे हाईली एडवांस्ड बॉट्स जो कि एक्चुअली नॉर्मल बॉट्स के बॉस हैं, और यही वो खतरनाक कंप्यूटराइज्ड प्लेयर्स होंगे जिनको हमारा पूरा स्क्वाड मिलकर भी आसानी से नहीं मार पाएगा। लेकिन अगर हम अच्छी से अच्छी लूट को कलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें इन हर तरह के बॉट्स को फिनिश करना ही होगा ताकि हम इस लूट को कलेक्ट करने के बाद उसे ब्लैक मार्केट में सेल कर पाएं। और जितनी ज्यादा और जितनी महंगी लूट हम ब्लैक मार्केट में बेच पाएंगे हमें उतना ही ज्यादा मेट्रो कैश मिलेगा। और गाइस ये मेट्रो कैश पबजी मोबाइल में यूज होने वाली एक और न्यू करेंसी होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ मेट्रो रॉयल मोड के अंदर ही यूज की जाएगी। तो नॉर्मली जैसे पबजी मोबाइल में हमें वेपन्स पड़े हुए मिल जाते हैं क्लासिक मोड में और हम उन्हें वहां से उठाकर वो गेम या फिर वो मैच खेल सकते हैं, यहाँ मेट्रो रॉयल मोड में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हमें अपने वेपन्स पहले से ही परचेज करने के बाद मैच में लेकर जाने होंगे, हमें मैच के अंदर कोई भी वेपन पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। वेपन्स तो वेपन्स, हमें तो उसकी सारी एक्सटेंशंस भी परचेज करके इक्विप करके मैच के अंदर ले जानी पड़ेंगी, अंदर हमें नहीं मिलेंगी वो इतनी आसानी से। क्योंकि मेट्रो रॉयल के अंदर हम अगर ऐसे किसी भी एरिया में पहुंचेंगे जहां पर हमें ये एक्सटेंशंस या फिर हेल्थ किट्स वगैरह पड़ी मिलेंगी वहां पर एनिमीज पहले से ही मौजूद होंगे। और ऐसी लूट को मैच में उठाने के लिए हमें सबसे पहले उन एनिमीज को फिनिश करना होगा तो ही हम उस एरिया या उस जोन की लूट को कलेक्ट कर पाएंगे। एंड इसीलिए ये न्यू फीचर ब्लैक मार्केट इस मेट्रो रॉयल मोड के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आखिर क्या है ये पबजी मोबाइल का पहला ब्लैक मार्केट और ये किस तरह से काम करता है, मैं आपको ये भी अभी आगे पूरा समझाने वाला हूँ। सो अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लो कि अगर हमें कोई भी वेपन या इक्विपमेंट इस मेट्रो रॉयल मोड के अंदर लेकर के जाना है तो वो हमें अंदर से नहीं मिलेगा, हमें ब्लैक मार्केट से परचेज करने के बाद ही उसे लेकर जाना है। और पबजी मोबाइल के इस ब्लैक मार्केट में शॉपिंग करने के लिए हमें चाहिए ढेर सारा मेट्रो कैश। और मेट्रो रॉयल मोड में हम जितने ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स को लूट करने के बाद उन्हें ले जा करके ब्लैक मार्केट में बेचेंगे हमें उतना ही ज्यादा मेट्रो कैश मिलेगा। मेरे भाई ये इतनी सारी जानकारी एक बार में आपके लिए कुछ ज्यादा तो नहीं हो गई? हो सकता है हो गई हो, इसलिए फटाक से समराइज कर देते हैं मैंने आपको अभी अभी क्या क्या बताया। मैंने आपको अभी तक ये बताया कि पबजी मोबाइल के मेट्रो रॉयल मोड में दो नए मैप्स हैं जिनके ऊपर हमें खेलना है। सबसे पहले मैप का नाम है फ्रंट लाइन कन्फ्रंटेशन और इसके अंदर दो मोड्स हैं, पहला बेसिक मोड है दूसरा अंडर कवर मोड है। बेसिक मोड में हम जब खेलेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लूट कलेक्ट करनी है ताकि हम उसे ब्लैक मार्केट में बेच पाएं और मेट्रो कैश ले पाएं।
और बेसिक मोड हम जब खेल रहे होंगे तो हमारा लगभग 4 तरह के एनिमीज से आमना सामना हो सकता है। नंबर 1 सुपीरियर बॉट्स, नंबर 2 हाईली एडवांस्ड बॉट्स जो कि इन सुपीरियर बॉट्स के भी बॉस हैं, और फिर मेरे भाई एनिमीज में नंबर 3 पर आते हैं स्पेशल मॉन्स्टर्स। तो हो सकता है कि मेट्रो रॉयल के आने वाले बेटा वर्जन अपडेट्स में मॉन्स्टर्स भी हमारे ऊपर अटैक करना शुरू हो जाएं, क्योंकि अभी तक तो अटैक नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसे ही अपना फ्रंट लाइन कन्फ्रंटेशन मैप का बेसिक मोड का पहला मैच स्टार्ट किया तो मैंने ये उड़ने वाला मॉन्स्टर देखा, और मेरे हिसाब से तो ये वाला मॉन्स्टर बैट्स या फिर वैम्पायर्स से इंस्पायर्ड लग रहा है। लेकिन आपकी इस उड़ने वाले मॉन्स्टर के बारे में क्या रहा है, आपको ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताओ। तो इसके अलावा एक और मॉन्स्टर जो मैंने इस फ्रंट लाइन कन्फ्रंटेशन मैप के पानी में देखा, ये एक्चुअली एक सी मॉन्स्टर है, और फिर ये मॉन्स्टर जब मैंने दूर से स्पॉट किया तो मैं इसे पास से देखने के लिए पानी के अंदर गया। सो पानी के अंदर आने के बाद मैंने जब इस सी मॉन्स्टर को बहुत पास से देखा तो मुझे तो ऐसा फील हुआ कि ये मॉन्स्टर ब्लू वेल या फिर एक क्रोकोडाइल से इंस्पायर्ड है, या फिर उन दोनों से। लेकिन आपकी क्या राय है सी मॉन्स्टर के बारे में, आपको कैसा लग रहा है मॉन्स्टर मुझे कमेंट्स में बताओ। तो पबजी मोबाइल का ये मेट्रो रॉयल मोड क्योंकि अभी एक इनिशियल स्टेज में ही है, फाइनल ऑफिशियल वर्जन रिलीज होने से पहले इसके कुछ और बेटा वर्जन आने वाले हैं, इसलिए इस ब्रांड न्यू मेट्रो रॉयल मोड की कुछ और इन गेम फाइल्स भी सामने आई है जिनके अंदर हमें और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ये सारे मॉन्स्टर्स तो और भी ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं इन मॉन्स्टर्स से जो कि ऑलरेडी गेम के अंदर ऐड हो चुके हैं। लेकिन अभी तक मैंने आपको मेट्रो रॉयल मोड में आने वाले जितने भी एनिमीज के बारे में बताया है, इनके अलावा एक और तरह के एनिमीज से हमारा इस मोड में सामना हो सकता है, और गाइस वो एनिमीज होंगे रियल प्लेयर्स। यानी कि जो मेट्रो रॉयल मोड है इसका नाम मेट्रो रॉयल इसलिए है क्योंकि ये बैटल रॉयल गेम ही है, और जब मेट्रो रॉयल मोड का कोई भी मैच स्टार्ट होने पर हमें इतने सारे एनिमीज गेम के अंदर मिलने वाले हैं जिन्हें फिनिश करने के बाद या फिर उनसे बचने के बाद हमें लूट कलेक्ट करनी है, तो सोचो ये शानदार मोड खेलने में हमें कितना मजा आने वाला है। एंड ये तो था इसके पहले फ्रंट लाइन कन्फ्रंटेशन मैप का बेसिक मोड, क्योंकि इस बेसिक मोड के अलावा एक और मोड भी है जो होगा अंडरकवर मोड। एंड ये जो मेट्रो रॉयल मोड का अंडरकवर मोड है इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर हम कोई भी वेपन लेकर गेम के अंदर नहीं जा पाएंगे, हमें खाली हाथ जाना होगा क्योंकि एक्चुअली तब हम एक अंडरकवर एजेंट होंगे, और हमें एक अंडरकवर एजेंट होने का इस अंडरकवर मोड में बेनिफिट ये मिलने वाला है कि हमारे ऊपर कोई भी कंप्यूटराइज्ड प्लेयर या फिर मॉन्स्टर अटैक नहीं करेगा क्योंकि हम इस मोड में एक एनिमी बनकर ही एंटर होंगे, और अंडरकवर मोड में हमारा प्लेयर जब तक एनिमीज को छेड़ेगा नहीं तब तक हमारे ऊपर वो अटैक नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम चाहें तो चुपचाप अंडरकवर मोड में जाकर सारी लूट कलेक्ट कर ला सकते हैं बिना किसी मॉन्स्टर से फाइट किए। लेकिन मेरे भाई मेट्रो रॉयल का ये न्यू अंडरकवर मोड इतना भी इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि चाहे हमारे ऊपर मॉन्स्टर का अटैक ना हो एनिमी रियल प्लेयर्स हमारे ऊपर फिर भी अटैक कर सकते हैं। तो अगर हम इस मोड में खुद एक एनिमी ही बनकर एंटर हुए हैं तो हमें सारी लूट कलेक्ट करने के साथ साथ रियल प्लेयर्स से भी बचकर खेलना होगा। और यही था पबजी मोबाइल में आने वाले इस न्यू मेट्रो रॉयल मोड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। हमने मेट्रो रॉयल मोड के इस बेसिक इंट्रो वीडियो में ये जाना कि इस मोड के अंदर कितने मैप्स हैं और उन मैप्स के कितने सब मोड्स हैं। इन मोड्स में जब हम मेट्रो रॉयल के मैप पर खेलेंगे तो हमें किस तरह के एनिमीज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गाइस ये बेसिक इंट्रो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट था इस जायगेंटिक मेट्रो रॉयल मोड का। ये पहली बार पबजी मोबाइल में कोई ऐसा इतना बड़ा मोड लॉन्च होने जा रहा है जिसकी खुद की एक सेपरेट लॉबी है, एंड इसके अलावा इसमें बहुत सारे स्पेशल आइटम्स और वेपन्स भी हैं जो हमें यूज करने के लिए मिलने वाले हैं। और उन स्पेशल न्यू फीचर्स में से सबसे पहला न्यू फीचर है ये स्पेशल न्यू वेपन। ये एक साइलेंट स्नाइपर राइफल है जो कि मेट्रो एक्सोडस गेम से अब एक्चुअली पबजी मोबाइल के इस मेट्रो रॉयल मोड के अंदर भी आ चुकी है। इस स्पेशल राइफल की साउंड तो अभी के लिए बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी ने मिनी 14 के ऊपर साइलेंसर लगा दिया हो। तो हो सकता है कि आने वाले बेटा वर्जन अपडेट्स में इस वेपन का साउंड भी शायद चेंज हो जाए। लेकिन इस राइफल की खासियत ये है कि इसमें एक स्पेशल एयर प्रेशर फीचर है, और जैसे ही हमारा प्लेयर इस राइफल को अपने हाथ में उठाएगा हमें स्क्रीन पर एक स्पेशल ऑप्शन मिल जाएगा जिससे हम इसका एयर प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। एंड फिर जैसे ही इस राइफल की ये एयर प्रेशर बार फुल हो जाएगी तो इस वेपन का डैमेज 15% इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इस राइफल का एयर प्रेशर फुल हो जाने के बाद हम किसी भी एनिमी को बहुत ही कम बुलेट्स में फिनिश कर पाएंगे, और ठीक इसीलिए ये राइफल मेट्रो रॉयल मोड के अंदर ऐड की गई है। सो इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो अपडेट 1.1 में पबजी मोबाइल में आने वाले हैं, जैसे कि लेवल 4 हेलमेट
हेलमेट, लेवल 5 हेलमेट, लेवल 6 हेलमेट, या फिर लेवल 4 वेस्ट, लेवल 5 वेस्ट, लेवल 6 वेस्ट, एंड बिल्कुल ऐसे ही लेवल 4 5 6 बैकपैक। लेकिन इनके अलावा दो ब्रांड न्यू स्कोप्स भी ऐड होने वाले हैं स्पेशल मोड में। सबसे पहला तो होगा नाइट विजन और दूसरा होगा थर्मल साइट। एंड ये सारे आइटम्स भी हम ब्लैक मार्केट से परचेज कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो मेरे भाई, ये सारे न्यू एलिमेंट्स, न्यू आइटम्स, न्यू लॉबी जो कि मेट्रो रॉयल मोड की ऐड हो गई है, या फिर पूरा ब्लैक मार्केट, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं जो इस नए मेट्रो रॉयल मोड में ऐड हुए हैं। और इन सारे न्यू फीचर्स के अलावा एक और न्यू मैप भी है जो मेट्रो रॉयल मोड के अंदर आया है, क्योंकि आज मैंने आपको सिर्फ एक मैप के बारे में ही बताया। तो ये जो सेकेंड मैप है मेट्रो रॉयल मोड का, इसका तो एक एडवांस वर्जन भी है, एक एडवांस मैप भी है। तो अगर आपको पबजी मोबाइल वर्जन 1.1 में आने वाले इस ब्रांड न्यू मेट्रो रॉयल मोड का ये पहला वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊं, तो आप ये मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड मेट्रो रॉयल मोड के वो सारे न्यू एक्साइटिंग फीचर्स जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में नहीं बताए, वो मैं आपके लिए अगले वीडियो में ले आऊंगा। तो ठीक है मेरे भाई, मैं चलता हूँ, लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स, आई लव यू ऑल।